हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जा रहे हैं आपके दिन, आपके पर्सन के दिन कैसे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो आपको जानने की ज़रूरत है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। चलिए अपने पर्सन की एनर्जी के बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। देखते हैं दोनों की एनर्जी में क्या आ रहा है, कोशिश करते हैं जानने की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे गौर करेंगे तो बहुत सारी एनर्जीज का मिक्सचर यहाँ पे मिलेगा। चलिए कुछ और कार्ड्स पुल कर लेते हैं ताकि आपको मैं डिटेल में बता पाऊँ। आपके पर्सन की एनर्जी, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पहली बात तो ये, आपके जो पर्सन हैं उनकी बहुत सारी एनर्जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी आज इस रीडिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैसे टाइप का पर्सन है ना, जहाँ पे ये हमेशा बहुत ज़्यादा डिनायल की स्टेट में रहते हैं। डिनायल किस तरीके का, ऐसा डिनायल जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी चीज़ शेयर तभी करेंगे, या ये तभी आपको कंसीडर करेंगे, या फिर कुछ भी तभी होगा जब ना, कैसे बताऊँ, जब इनका कोई फ़ायदा होगा किसी चीज़ में। कोई भी काम ये तभी करेंगे जब इनका मन करेगा, या फिर उस चीज़ का इनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, इस पर्सन ने कभी भी कोई काम पूरा किया ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पर्सन जहाँ पे भी जाते हैं कभी भी वहाँ पे सेटल नहीं हो पाते। यानी कि अगर आपको स्पष्ट भाषा में बताऊँ तो ये कमिटमेंट फोबिक मुझे नज़र आ रहे हैं। ये किसी चीज़ के बारे में अगर श्योर हैं भी, उसको पूरी तरीके से, ठोस तरीके से, लिखित में देने से, या फिर प्रॉमिस करने से, प्रॉमिस तो ये बहुत करते हैं मुझे ऐसा लगता है, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, वैसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा से इधर से उधर जाने की कोशिश करते हैं। जब भी जहाँ पे भी ये रहते हैं उस चीज़ से ये पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं पा पाते, या फिर संतुष्टि ये नहीं दिखा पा रहे हैं इस वक्त। इसीलिए ना ये क्या करें, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है दे आर जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहीं पे भी स्थायी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही इन द केस ऑफ फीलिंग्स, जब भी मुझे लगता है कि ये आपके पास अपना प्रपोजल लेके आए थे, ये अपने पास आपका ऑफर लेके आए थे, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपके पास आए, आपसे अट्रैक्ट हुए, इनको लगा कि इनसे बात करनी चाहिए, इनको लगा कि कुछ तो स्पार्क है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये लव एट फर्स्ट साइट था, ठीक है। पहली नज़र में ही, टकराते ही, बिल्कुल एक दूसरे के लिए पागल हो जाना, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे कनेक्शन नज़र आ रहा है। पर इनका ये है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस होने लगे, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अपनी चरम सीमा पे हो, वहीं पे ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेते हैं। कहने का मतलब है, ये तो मैं आपको एक बता रही हूँ इस तरीके से, कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, या आपके रिलेशनशिप का कोई टेस्ट हुआ है या कुछ हुआ है, तो ये पर्सन वहाँ से खिसकते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि चले जाते हैं, बस गायब हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि नो कम्युनिकेशन वाली स्टेट में आ जाते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ आधा अधूरा छोड़ा है, सिर्फ आपका रिश्ता नहीं। ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत लोगों को वेट कराया है, इन्होंने बहुत लोगों का दिल तोड़ा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में भी एक तरीके से खालीपन सा महसूस हो रहा है इनको, क्योंकि इन्होंने कभी भी किसी के साथ ठीक से बना के रखी ही नहीं है।
बस ये आगे की ओर बढ़ने में ध्यान दे रहे हैं कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलेगी, जो मुझे करना है वो खुद ही करना है, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत लोनली दिखाई दे रही है। ठीक है, फाइव ऑफ वांड्स से ये चीज़ मैं पूरी तरीके से कंफर्म कर देती हूँ कि इनकी ना कोल्ड वॉर चलती रहती है सबसे। जो इंसान मन ही मन में सब कुछ रखेगा, जो इंसान एक्सप्रेसिव नहीं होगा, जो इंसान किसी को कोई चीज़ बताएगा नहीं, मन खुला नहीं रखेगा, सिर्फ अपने से ही मतलब रखेगा, मतलब कि सिर्फ सेल्फिश वाली एनर्जी यहाँ पे रहेगी, तो ये बताइए कौन से इंसान को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये अकेले ही जग जीतना चाहते हैं। ठीक है, और अपने रिश्तों से, अपने इमोशन से और अपने मतलब आपसे, स्पेसिफिकली आपसे इन्होंने अभी पीट कर रखी है। साफ पता चल रहा है कि ये हर किसी से कम्पीट करते रहते हैं, और जैसे कि रीडिंग की स्टार्टिंग में ही बताया था, हर वो चीज़ ये करेंगे जिसमें इनका फ़ायदा है। जिस चीज़ में फ़ायदा नहीं दिख रहा है वो चीज़ वो नहीं करेंगे, ना ही अपनी चीज़ को शेयर करेंगे। ऐसा लग रहा है ये इंसान हर किसी से मुंह मोड़ बैठा है। ठीक है, इनकी मुझे लगता है कि सेल्फ लव इज़ गुड, पर सेल्फिश पना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने किसी के साथ किया है वैसे ही उनके साथ हुआ है। जैसे ये मुंह फेर के खड़े हैं और अपनी खुशी में ये अकेले खुश हो रहे हैं, वैसे मुझे लगता है कि इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, ना ही इनके मन को समझने वाला कोई है। मन में देखो कैसे पहेलियाँ चल रही है, सीढ़ी बनी हुई है, इनके मन में ये चीज़ आ चुकी है, अब तो कोई साथ दे ही नहीं रहा तो किसी के बारे में क्यों ही सोचना, अपना अपना सोचते हैं सिर्फ। लेकिन यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ आपकी लाइफ में। अगर ये कम्युनिकेशन बहुत टाइम से स्टक है, अगर बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो इस चीज़ को रियलिटी में लाने की, आपके पर्सन से कनेक्ट होने की, तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ अब रुकी हुई थी ना वो बहुत फास्टर तरीके से आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने ही उसमें था ना, अपनी ही लाइफ में, अपने ही मन में, और सबको पीछे छोड़ के ये बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा था, और दूसरों को इसने रिफ्यूज़ कर दिया एंटरटेन करने से, या दूसरों को खुशी देने से इन्होंने मतलब मना कर दिया है, तो एट ऑफ कप्स वाली एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को भूल के अगर वहाँ से पीट करके जा रहा है तो ये वापस आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कम बैक। ठीक है, कुछ और कार्ड्स पुल करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कम बैक, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, द स्टार का कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आप में से किसी को गुलाब पसंद है क्या? वो जो रियल वाला आता है जिसमें से सच में स्मेल आती है, मतलब रियल तो है ही पर एक आर्टिफिशियल टाइप का नहीं होता, जो हाइब्रिड होता है, जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए, बुके के लिए होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती और पंखड़ियाँ बहुत मोटी मोटी होती है और एकदम डार्क रेड सा होता है, और एक दूसरा आता है थोड़ा सा लाइट होगा, पिंकिश और रेडिश कलर में होगा, पिंकिश डार्क, पिंकिश और रेडिश, और वो थोड़ा इंडियन वेराइटी का होगा जो असली वाला, उसमें बीच बीच में बीज भी और खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो मुझे वो खुशबू आ रही है। ऐसा है क्या कि आप में से किसी को रोज़ की बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि रोज़ देखा है या रोज़ की स्मेल आई, या गुलाब जल से रिलेटेड बहुत कुछ किसी को पसंद हो, या गुलाब का शरबत, रूह अफ़ज़ा टाइप का? ठीक है, आई वॉज टेलिंग कि रोज़ इज़ अ कलर ऑफ लव, इफ़ यू कैन सेंस इट, या अपने आसपास देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका रिश्ता ना कहीं ब्लूम कर रहा है। और इसका स्पेसिफिक ये है कि अगर आप अपने किसी दोस्त से काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, या किसी रिलेटिव से मिले नहीं हो, जहाँ पे आपका रियूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता जो बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरा था, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंस की वजह से, बहुत चुप्पी की वजह से चीज़ें ख़राब हुई थी ना, वो चीज़ें अब ठीक होने की कगार पे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक होने के कगार पे है। ऐसा लग रहा है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि, चलिए पहले मैं ये बताती हूँ, ठीक है, ये जो आपके पर्सन है
ये बहुत ही ज़्यादा अभी एंग्शियस चिड़चिड़ी एनर्जी में है, क्योंकि इनके पास एक भी इंसान नहीं है जो इसको मतलब ठीक कर सके, इस सिचुएशन से इनको बाहर लेके आ सके, ठीक है। और ऐसे लग रहा है आपके पर्सन को ठंड लग रही है। ठंड क्यों लग रही है भाई, जब आप पूरे रेगिस्तान में या पूरे पहाड़ों में आप अकेले ही हो, आसपास कोई जीव जंतु नहीं है, और मतलब मेरे कहने का मतलब है कोई पॉपुलेशन नहीं है, आप अगर कहीं अकेले गए हो तो ये बताओ कि आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का जो स्ट्रेंथ है, जो हिम्मत है, वो धीरे 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 जवाब दे रही है। और जिस रिश्ते को ये छोड़ के पीछे मुड़ के जा रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों की इनको बहुत ज़्यादा बद्दुआ लग रही है, स्पेशली आप, मुझे लग रहा है कि ये आप तक ना वापस जाना चाहते हैं। और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे स्टार्स भी है, इसका मतलब दे आर स्टेयरिंग एट स्टार्स। इन्होंने हो सकता है विश भी मांगी हो कि मुझे अपनी लाइफ में अधूरे कामों को पूरा करना है, क्योंकि जब जब मतलब ये मान लो इनका कार्मिक डेट है ये, कि ये जब जब चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, पीछे छोड़ के जा रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई भी प्रोग्रेस होती हुई मुझे नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पे नज़र आ रहा है रिकंसिलिएशन, दोबारा से हर उस जगह, हर उस इंसान के पास ये जाना चाहते हैं जहाँ अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं छोड़ आए थे, क्योंकि अपनी मिस्टेक का इनको अंदाज़ा है। मैंने कहा था ना, जो कम्युनिकेशन यहाँ पे रुकी हुई थी काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से, जो यहाँ पे बीच में मतलब यू नो ठहराव आ गया था, वो अब फाइनली चल पड़ा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसी एनर्जी है जो इनको धक्का दे रही है कि भाई तुम चलो, तुम चलो, तुम रुकना नहीं है, तुम्हें किसी भी हालत में रुकना नहीं है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा कमाल की है, बहुत अमेजिंग एनर्जी। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही डीपली इस चीज़ को समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ये पर्सन अगर खुद पीछे मुड़ के उसी रास्ते पर चल के अपनों को छोड़कर अगर ये खुश नहीं है तो ये आगे भी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद पर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। पर एक चीज़ और, ये पर्सन इस उम्मीद में है कि सामने वाला बस मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को लेके परेशान है कि अगर आपने भी उनके साथ ऐसा बिहेव किया, अगर आपने भी उनसे मुँह मोड़ लिया, तो इस पर्सन का जो यू नो एक चांस है वो ऐसे खाली जाएगा। नंबर सिक्स और नंबर फाइव यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नंबर टू भी है। देखिए टू ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है, कम्युनिकेशन का कार्ड, यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ट्स, और यहाँ पे देख लो टेन ऑफ कप्स। पूरी की पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये पर्सन आपके साथ देखो कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा मिलकर रहना चाहते हैं। देखो यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व है, इसका मतलब दे वॉन्ट कि आपकी भी प्यार की निशानी हो, दे लिटरली वॉन्ट, क्योंकि ये बंजारों वाली ज़िंदगी जी जी के थक चुके हैं, जहाँ पे ये सिर्फ अकड़ रहे हैं और कुछ नहीं, पर इनको मिल कुछ नहीं रहा, ये भी सुख शांति से नहीं जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज भी इनके दिल की तार आपके पास है। एक टाइम पर ये इंसान आपको अपना सोलमेट मान बैठे थे, एक टाइम पे ये आपकी एक झलक के लिए, मुझे लगता है यू आर ऑल्सो कमिंग इन देयर ड्रीम। आजकल हो सकता है कि आपने भी इनके रिगार्डिंग कोई ड्रीम देखा और अचानक से आँख खुल गई हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसा लग रहा है कि जिसको एक पल के लिए लाइफ पार्टनर मान लिया, उसको कैसे आप छोड़ के चले जाओगे। तो वो समथिंग आपकी एनर्जी मान लो, या आपके आंसू मान लो, आपकी मिसिंग एनर्जी, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि आप दिन रात उनकी राह तक रहे हो और एक ही ऑप्शन को थामे हुए हो आप, बाकी आपने अपनी लाइफ को पूरी मतलब लाइफ को साइड में रख दिया है, ठीक है। और यहाँ देखो वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया वही है, मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी दुनिया उनके आसपास घूमती है। ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ, और वही एनर्जी उनको आप तक खींचने पर मजबूर कर रही है। ध्यान से देख लो, पता चलेगा कि जो इंसान एक टाइम पे आपको अपना लाइफ पार्टनर सोलमेट मान रहा था,
है ना, वो इंसान कैसे आपको भूल के रहेगा? उसके लिए आप आज भी इतने मायने रखते हो? देखो, जब ये देख रहे हैं तब इनको लग रहा है ये अपना माथा पकड़ रहे हैं, हे भगवान कितना बड़ा लॉस हो गया। देखो, कौए के आसपास गुजरना मतलब एक तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा बैड लक, ऐसा लग रहा है ये कोस रहे हैं अपनी बुरी किस्मत को, अपने दिमाग को, जिसने इनको ये आइडिया दिया है कि ऐसा करना है, या जिसने इनसे ये सब चीज़ करा दी है, उस चीज़ का इस पर्सन को इतना ज़्यादा अफसोस है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके एक के बाद एक इनकी लाइफ से वो सारी की सारी खुशियाँ ख़त्म होती जा रही है जो इनको अपने अपनों से मिलती थी। तो इन्होंने अपने खुदगर्जपन के कारण मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में से बहुत कुछ खो दिया है, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन ने अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया है, ना किसी से बात, ना किसी से लेना देना, पूरे दिन अपने में ही ये पर्सन खोए रहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ नज़र आ रही है कि इन्होंने मना कर दिया है कि इनको ना किसी से मिलना जुलना, ना नए कनेक्शन बनाने। ऐसा लग रहा है कि अपने आप को एक कमरे में आपने बंद कर दिया है, यहाँ पे आपकी एनर्जी बता रही हूँ, और पूरी दुनिया से अलग कर लिया है। ना आपको कुछ खाने की खुशी है, ना सो के उठने की खुशी है, ना ही आपको पूरे दिन का कुछ समझ आता है। हर दिन प्लान बनाते हो, वो चीज़ हो नहीं पाती, तो आपको लगता है कुछ होना ही नहीं है, फिर खुद को अगले दिन समझा रहे हो। एक तरीके से आपकी भी हालत इस तरीके से हो गई है, अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लौटने का इंतज़ार कर रहे हो। आप हमेशा वो हैप्पी मोमेंट्स सोच रहे हो जो आप इस पर्सन के साथ बिता सकते हो। आप हमेशा से सोच रहे हो इस अबंडेंट एनर्जी के बारे में। देखो, रेनबो, सात कलर, इंद्रधनुष, खुशियाँ ही खुशियाँ, अंडरस्टैंडिंग, वादे, फैमिली का एक साथ रहना, सबका मिलजुल के रहना, एक दूसरे को समझना। और मुझे लगता है कि कोई भी किसी के लिए किसी के जाने का दुख नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ हैं। ये एनर्जी आप अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हो, पर आपके पर्सन का अचानक से आपकी लाइफ से जाना, मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सडन शॉक है, बहुत ज़्यादा सडन शॉक है, ठीक है। दूसरी बात ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप इस इंसान के बारे में सोचते हो उतना ही ज़्यादा आपको सुकून मिलता है, ना जाने क्यों, भले ही बात नहीं हो रही है, पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सुकून महसूस करते हो इस इंसान के बारे में सोच के, ठीक है। इस इंसान को महसूस करके आपको ऐसा लगता है कि दे आर इनसाइड यू, दे आर विद इन यू, आपको ऐसा लगता है। तो ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप इस पर्सन को हर हालत में अपनी लाइफ में वापस चाहते हो। टीचर, विक्टिम मेंटालिटी। देखो किस तरीके से आपके इमोशंस आप पे भारी पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को मना के रोज़ उठा रहे हो, पर फिर वही दोपहर होते ही, थोड़ा सुबह होते ही, मुझे लग रहा है कि अगर आप ट्रैवल करते हो सुबह कहीं, या मतलब कहीं पे भी जाते हो, आपका डेली रूटीन जो भी है, वो काम तो हो रहा है पर उसमें आप खो जा रहे हो। एक्चुअली चल आपके पर्सन की बात रही है आपके दिमाग में, ये सच्चाई है, ठीक है। एक तरीके से आपने खुद के हाथों को बांध लिया है और आप अपनी सिचुएशन में फंसते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है आप कुछ नहीं कर सकते और समय निकला जा रहा है। तो हर दिन एक रिग्रेट हो रहा है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशंस बहते जा रहे हैं, आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं आपके ऊपर। जब जो चीज़ करनी चाहिए उसको छोड़ के आप अपने पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। पर मुझे लगता है इन सब में कोई तो ऐसा है, चाहे ये मैं हूँ, मैं ट्रूली स्पीकिंग, चाहे ये मैं हूँ, चाहे आपके फ्रेंड हो, या कोई एक ऐसा स्पेशल पर्सन है जिनको पता है इस बारे में, तो वो आपको कोशिश करे। जैसे आप रीडिंग भी देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार शायद मैम सही कह रही है, मुझे शायद इस साइकिल से, इस चक्रव्यूह से बाहर आना चाहिए, एटलीस्ट मुझे नॉलेज तो मिले जो हुआ वो क्या था, किस लिए हुआ, एटलीस्ट मुझे लेसन मिले और मैं अपने पास वापस लौट पाऊँ, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ के साथ गलत कर रहे हो, बिलीव मी इट इज़ योर मैसेज, बिलीव मी इट इज़ योर मैसेज। ओके, इंक्रीज देखने का जो है ना, फोकस करने का जो पूरा आपका वो है ना, जैसे कि जैसे दो आँख है, दो आँखें इतना देख सकते हो, तो वो अपना नज़रिया बढ़ाओ, थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करो, क्योंकि आप देखोगे लाइफ में इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, मतलब कि दो राहें हैं, दोनों में ही
वो रास्ता वहाँ तक जा रहा है आपकी डेस्टिनी तक, ठीक है। दोनों को ही सब कुछ भुला के इस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। अभी क्या आप खड़े हुए हो, आप बस दूर से देख रहे हो कि आपके पर्सन मिलेंगे तो अबंडेंस मिलेगी, पर आप दोनों को यहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। क्या पता वहाँ पे जाके आपका यूनियन हो, आपके टाइम पे हो। जब आप दोनों उधर पहुँच जाओ तो कीप ऑन वॉकिंग, इट्स अ साइकिल दैट यू गाइज हैव टू कम्प्लीट, ठीक है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से। लाइक करके ज़रूर जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, वो जल्दी से आप क्लिक करके देख लेना। आई लव यू स्माइल, आई रियली डू। थिंकिंग ऑफ यू एड अ वंडरफुल टच ऑफ लव टू माई एवरी डे। हर दिन का यही है, हर दिन आपके बारे में ये सोचते हैं। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज़ अ मोमेंट आई ट्रेजर। ओके, देख लो ध्यान से, जैसे मैंने बोला ना, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके बारे में सोच रहे हो, पता भी नहीं चल रहा है वो काम हो जा रहा है, क्या हो रहा है आसपास, कुछ होश नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा लग रहा है, खोए हुए हो, बस अच्छा लग रहा है। यू नेवर गेट मैड एट मी इवन वेन आई ड्राइव यू अप द वॉल। ओके, एक चीज़ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने कितना भी आपके साथ कुछ भी किया है, कभी भी आप उस पर गुस्सा नहीं हुए हो, ना ही रिएक्ट किया। इससे पता चलता है कि हाउ मच पेशेंट हो आप इनके साथ, कितना ज़्यादा आपने धैर्य रखा है, इनको झेला है। तो वही क्वालिटी आपकी ये पर्सन याद कर रहे हैं इस बार, ठीक है। कितना ज़्यादा झेला है इस पर्सन की वजह से, तो वो चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत जस्टिस मिले, ठीक है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ इस रीडिंग को प्यार देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए विदा लूँगी और बोलूँगी गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल माई सोल फैमिली, take care and bye, god bless you all।